morning, I am Ratri. You are watching Ratri's Life Corner and welcome back to my channel. So guys, मैंने Amazon से एक microwave purchase किया है and थोड़ी देर में ही technician आएंगे उसका demonstrate, मतलब उसको demonstrate करने के लिए. Panasonic का microwave हमने purchase किया है. सुबह जब डिलीवरी हुआ तब बहुत सुबह सुबह हुआ था, इसलिए हम लोग उसको शूट नहीं कर पाए. तो बाकी का जो भी कुछ है वो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी. एंड यस, होपफुली अगर आप में से कोई भी माइक्रोवेव खरीदना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो, तो उनके लिए शायद ये वाला वीडियो थोड़ा काम का हो सकता है. सिर्फ और सिर्फ माइक्रोवेव कहना गलत होगा, क्योंकि मुझे लगा कि ये वाला जो मॉडल हमने लिया है इसमें बहुत सारे यूनिक फीचर्स हैं जिसलिए हम लोगों ने परचेज किया. तो बेसिकली पैनासोनिक इसे माइक्रो शेफ कहते हैं आ गए हैं. तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे कैसे वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं एंड बाकी का भी डिटेल्स मैं आपको दे दूँगी. ये दोनों चीज आपको बैठाना दिखा दिया कैसे बैठाता है. ये हमेशा रहेगा, जो भी खाना देंगे आप माइक्रोवेव प्रूफ बोल या फिर कोई बर्तन इसको वॉश कर सकते हैं ना, मतलब ट्रे और नीचे का जो सब कुछ. इसको कोई भी चीज अगर गर्म करना होगा, ठीक है, तो इधर देखिए माइक्रोवेव का बटन है. माइक्रोवेव बटन प्रेस करने के बाद ये हैंडल आएगा, 2 या 3 सेकेंड आपको ठीक होल्ड करके उसके बाद आपको टाइम देना पड़ेगा. तो 3 बार बीप साउंड देगा, बीप साउंड देगा खुद ब खुद बंद हो जाएगा. देख लीजिए ये 40 सेकंड का कितना गर्म होता है, हाथ से देख लीजिए. ओके, ठीक है, ये 40 सेकंड का गर्म है. ग्रिल का भी सेम प्रोसेस, ग्रिल देके टाइम देके स्टार्ट. तो कॉन्वेक्शन, कॉन्वेक्शन अगर प्रेस करते हैं, देखिएगा हमारा जितना भी पैनासोनिक का मशीन है बाय डिफॉल्ट 180 डिग्री आता है. कॉन्वेक्शन मतलब कोई भी बेकिंग आइटम के लिए, केक बिस्किट वगैरह बनाने के लिए, तो आप जानते ही होंगे केक बिस्किट वगैरह बनाने के लिए कोई भी बेकिंग आइटम फीट करना पड़ता है बर्तन को. ये किस लिए है? ये वाटेज भाग करने के लिए. कोई कोई खाना लगता है ना गर्म ज्यादा लगता है, ग्रिल कम लगता है. कोई खाना है ग्रिल ज्यादा लगता है, गर्म कम लगता है. अच्छा, ऐसे के लिए डिफरेंस दिया हुआ है कस्टमर के हिसाब से. अच्छा, अगर बाय डिफॉल्ट कॉम्बिनेशन 1 पे ही ज्यादा काम करता है. अच्छा अच्छा, जो हम लोगों को ये टोटली नैरेट अभी कर रहा है उनका नाम है, मेरा नाम है तहा अनवर हुसैन. अनवर हुसैन एंड ही इज गिविंग द डेमोन्स्ट्रेशन एंड गिविंग वेरी 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 थॉरली. कॉम्बिनेशन हो गया ऑटो डिफ्रॉस्ट. नेक्स्ट जो वो बताने जा रहे हैं वो मतलब मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है अगर मतलब फिश हो, चिकन हो, कुछ भी हो, अगर मतलब डीप फ्रीज में रखा जाए एंड फिर उसको निकाला जाए तो वो पूरा बर्फ़ हो जाता है उसमें. तो उसको गलाने के लिए, उसको अलग करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हम लोगों को उठानी पड़ती है. आई एम श्योर कि मेरे जैसे आप लोगों को भी इसमें प्रॉब्लम होता है. तो उसके लिए यहाँ पे एक अलग से प्रोग्राम दिया हुआ है जहाँ जिसके थ्रू हम लोग उस बर्फ को अलग कर सकते हैं. आपके 2.1 kg तक कर सकते हैं. ठीक है, तो अप डाउन करके ये करना पड़ेगा आपको प्रेस करके. ठीक है, 6.06 ऐसे करके मेजर करके जैसे स्टार्ट कर देना पड़ेगा आपको. देख लीजिए टाइम खुद ब खुद ले रहा है, क्योंकि हम लोग टाइम नहीं देना पड़ा क्योंकि इधर हम लोग वेट मेजर कर दिया. ठीक है, तो वो खुद से ले रहा है कि एग्जैक्टली कितना टाइम उसको लग सकता है. सो गाइज, अभी मेरी बारी है ट्राई करने की एंड मैं ट्राई करके देखूंगी चिकन तंदूरी. तो चलिए देखते हैं कि कैसा बनता है इससे. थोड़ा सा वेट करनी है उसको प्रिपेयर होने में, थोड़ा सा टाइम लगेगा
एंड यस, तो मैं एक्साइटेड हूँ इसलिए कि कैसा होगा ये मुझे देखना है, सॉफ्ट बनेगा कि नहीं. एंड यूजुअली सॉफ्ट बनता है. मेरा पहले वाला जो इससे पहले जो मेरा माइक्रोवेव था वो अच्छा खासा काम करता था, बट फिर बहुत साल हो गया था तो उसको फिर वो मतलब सर्विस रिपेयर करना जो होता है, सर्विसिंग बोलना गलत होगा, रिपेयरिंग जो है वो करने के लिए जब मैंने भेजा तो उन्होंने कहा कि और अभी शायद कॉइल जल गया था तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया तो फिर उसको रिपेयर नहीं किया गया. तो फाइनली हम लोग बहुत दिनों से सोच रहे थे कि माइक्रोवेव के बिना लाइफ ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था. तो फिर हमने डिसाइड किया कि हाँ लेना है. तो फाइनली बहुत दिनों के बाद माइक्रोवेव यूज़ कर रही हूँ अभी. ये थोड़ा अलग है, मतलब तब तो बटन सिस्टम था, बटन वाला जो जैसा था, तो अभी ये तो टच पे है. तो बाकी सब कुछ भी जानना थोड़ा जाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा. तो पहले सोचा कि ग्रिल वाला कर लेते हैं एंड देन बाकी का धीरे धीरे ट्राई करते हुए जाएंगे. आई डोंट नो पार्थो क्या बोलने वाला है. सो यस, देखते हैं क्या होता है. ये खुशबू जो निकल रहा है किचन से, पूरा सिर्फ किचन मत बोलो मुझे, तो मैं यहां से ड्राइंग डाइनिंग एरिया. आप सही कह रहे हो, पूरा ड्राइंग डाइनिंग एरिया अभी कर रहा है. अभी वो मुंह में जाने के बाद कैसा होगा, आई डोंट नो. माय टंग इज लबलबाइंग. और खुशबू इतना तेज निकल रहा है, मैं कह नहीं सकता, मेरा बोलती बंद हो गया. अब ना ये लोग सोचेंगे, ये लोग कहेंगे कि हाँ रात्रि और पार्थ सिर्फ खाते ही जाते हैं. बट यस गाइस, बंगाली हूँ तो थोड़ा बहुत खाना वाना तो चलता है हम लोगों में. करीबन 2014 शायद होगा, हम लोग वो लोकेशन रेकी के लिए गए थे शूटिंग में. तो हम लोग गाड़ी में जा रहे थे, मुझे अभी भी याद है. तो मैंने रात्रि के लिए गाना गाया था, लेकिन ये आज चिकन तंदूरी के लिए वो लाइन मुझे याद आ रहा है. तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा. अगर बंद हो जाएगी मेरी आंखें, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूंगा. तो अभी ये याद है ना आपको? हाँ हाँ, तब तो वो तो बात अलग था, अभी ये तंदूरी क्या बोलने वाला है. ये है वो पीस जो अभी मेरे मुंह में ये वाला पीस जाने वाला है. मुझे टिंगड़ी खाना, टंगड़ी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है. कुछ भी हो बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे. ये आदमी भी ना कहाँ कहाँ घूम रहता है. चलिए मैं तो भाई आ गया. पुदीना का चटनी लेने के लिए गए थे. ओके चलो. और तुमने खाना भी स्टार्ट कर दिया? हमने दिया था पुदीना का चटनी और थोड़ा सा. हाँ बोलिए. एक्चुअली ये जो माइक्रोवेव जो है ना, ऐसे ही कुछ होने वाला है आपके साथ अगर आप लेंगे तो. हाँ मैंने मसाला भी अच्छे से डाला. वो बात अलग है. मैरिनेट में करके रखी थी. यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा जो फीचर है वो है, मैंने बाद में देखा, 101 ऑटो कुक मेनू है. तो ये अगर रेसिपी सही होगा, रात्रि जैसे आज किया चिकन तंदूरी का, अगर रेसिपी सही होगा तो आपको ये कितना वक्त आपको लगा, 16 मिनट्स. विद इन 16 मिनट्स 4 पीसेस ऑफ चिकन इज कंप्लीटली रेडी एंड यू कैन कॉल इट परफेक्ट तंदूर चिकन. वैसे ये पुदीना का चटनी आई नो आप तुमने को बताया, बट फिर भी मैं ट्राई करूंगी कभी आप लोगों से शेयर करूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ. तो आज ब्लॉग यहीं खत्म करना चाहिए, क्योंकि वो जो बाइटिंग का जो आवाज आ रहा है ना वो बहुत बढ़ता जाएगा. आप लोग इरिटेट हो जाओगे.
सो एनीवेज अच्छा रहेगा कि आज का ये ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म कर दें. सो नेक्स्ट मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में किसी दूसरे कॉन्टेंट के साथ. और हाँ, अगर ये वाला ब्लॉग आप लोगों को अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा. सो टिल देन, टाटा, बाय बाय, लव यू, टेक केयर. And it's a tandoor night. Yo! Tandoori bye. Bye!